दिखाने वाली हूँ और साथ में आप लोग को भी 45 अपडेट के बाद में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा वो फिर मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और साथ में आप लोग को जो फ्री फायर इंडिया है ये कब देखने के लिए मिलेगा इसके बारे में फिर आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरे देखना, तो चलो गाइस वीडियो को देखिए, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो वैसे भी आप लोग को 1 मई को न्यू VR का रैंक सीजन देखने के लिए मिला है और आप लोग को नेक्स्ट मंथ 1 जून को जो CS टैंक एंड मोड है इसका न्यू सीजन देखने के लिए मिलेगा। तो उसके अंदर सबसे पहले आप लोग को जो फ्री में चीज मिलेगी गोल्ड पर आप लोग को ये बोले जो स्काई फुट की स्किन है ये आप लोग को मिलने वाली है 1 जून को CS टैंक एंड पुश करने पर। और प्लेटियम में आप लोग का जो SPD की बोले इनकी स्किन है ये आप लोग को मिलेगी जिसके एटीफेस वगैरह आप लोग नीचे में देख सकते हो। साथ में आप लोग को हीरोइक करने पर ये वाला जो मेल का टी-शर्ट है ये आप लोग को मिलेगा। सो हीरोइक पर जो टी-शर्ट मिलेगा वो VR का ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बाकी आप लोग को CS रैंक में हीरोइक करोगे तो ये वाला मिल जाएगा। और फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो उतार बैनर फिर आप लोग को हीरोइक पर ही मिल जाएंगे। और फिर आप लोग लाइट मास्टर करोगे तो आप लोग को ये वाला जो पैन के स्किन है ये आप लोग को CS रैंक मोड करने पर पुश मिल जाएगा। सो 1 जून को आप लोग को ये सारे फ्री के रिवार्ड्स मिलने वाले हैं इंडिया सर्वर पर CS रैंक पुश करने पर। 2 जून को आप लोग को नेक्स्ट गोल्ड रोल बंडल देखने के लिए मिलेगा, तो उसके अंदर आप लोग को ये जो मेल का बंडल है ये आप लोग को इंडिया सर्वर में नेक्स्ट गोल्ड रोल बंडल के रूप में देखने के लिए मिलेगा। सो बंडल का रिव्यू आप लोग देख ही सकते हो इस मेल का है। और इसके अंदर आप लोग का जो सेट है नीचे जीन्स है, शूज है, मास्क है, हेयर है, सब कुछ मिल जाएगा। जो सेट वगैरह आप लोग देख ही सकते हो, बाकी जो बंडल है वो ठीक ही ठाक है आप लोग को नेक्स्ट वाले गोल्ड रोल के अंदर में इंडिया सर्वे के अंदर में देखने के लिए मिलने वाला है। और अभी 45 अपडेट के बाद में पॉसिबल है कि आप लोग को ये जो इमोट है आप लोग को VR रैंक के अंदर में आप लोग को गियर मास्टर करने पर मिलेगा। सो आप लोग इमोट है, इमोट का रिव्यू आप लोग देख सकते हो, पहले तो डायमंड 4 करता है, फिर हीरोइक, फिर लाइट मास्टर और फिर ग्रीन मास्टर। सो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो इमोट बहुत अच्छा था मस्त से। फिर CS रैंकेट का भी एक न्यू इमोट आया, सो आप लोग देख सकते हो पूरा ही सो स्नैपर उससे करके यहाँ पे 1, 2, 3, 4 वैसे यहाँ पे डायमंड 4 से एक बार ग्रीन मास्टर हो सकता है। सो ये वाला सो इमोट है ये आप लोग को 45 अपडेट के बाद में CS रैंकेट और जो VR है इसके अंदर ग्रीन मास्टर करने पर आप लोग को न्यू इमोट्स वगैरह एड हो सकता है। बाकी इसको लेके फिर ये पॉसिबल है अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि 45 अपडेट में ही होगा। और फिर ऐसे वो आप लोग को 7th एनिवर्सरी स्पेशली यहाँ पे जो बंडल देखने के लिए मिलेगा वो कलर चेंज करेगा, जैसे कि जो अप्रैल फुल स्पेशली जो बंडल है वो कलर चेंज करता है वैसे ही बंडल का आप लोग कलर चेंज करते हुए देख सकते हो। 7 लिखा हुआ है आगे तरफ इसका टी शर्ट में, बाकी जो कलर चेंज कर रहा है उसका आप लोग यहाँ पे 3D वीडियो क्लिप्स देख सकते हो। बाकी इसका जो रिव्यू है वो आ जाएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगी, अभी तो नहीं आने वाला। जून तक जो इसका रिव्यू है फुल वो आ जाएगा तो मैं आप लोग को ये बंडल पूरा का पूरा दिखा दूंगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखो और थोड़ा वेट करो, जैसे वीडियो क्लिप आएगी तो मैं आप लोग को दिखा दूंगी बंडल का रिव्यू। सो 7th एनिवर्सरी स्पेशली यही बंडल आने वाला है, सो आप लोग देख ही सकते हो इफेक्ट एनिमेशन तो अच्छा खासा लग रहा है, बाकी रिव्यू आएगा तो ये बंडल और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। और गाइस देखो आप लोग को 45 अपडेट के बाद में आप लोग को नया ईफो बंडल देखने के लिए मिलेगा जो पूरा एक गैलेक्सी के थीम में रहेगा। जो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो पूरा ही ऐसा गोल गोल आप लोग का जो गैलेक्सी वो दिख रहा है और इसको देख के माथा चक्कर आ जाएगा। बाकी ये जो बंडल है ये ईफो बंडल होने वाला है जिसका आप लोग थोड़ा मोड़ा 3D में जो वीडियो क्लिप है वो देख सकते हो। बाकी इसका फिर रिव्यू जून में ही आएगा, सो जून तक फिर वेट करना पड़ेगा आप लोग को। बाकी जो 3D लुक है उसमें तो आप लोग को समझ आ रहा है जो बंडल रहेगा वो ग्रीन और ब्लैक कलर में रहेगा और आप लोग को आने वाले अभी 45 अपडेट में यही ईफो बंडल जो है देखने के लिए मिल सकता है। और फिर देखो आप लोग को अपडेट के बाद में जो P90 के जो इनके स्किन है पिक वाले थीम में या फिर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो फैक्ट्री वाले थीम में, सो पिक वाला नहीं तो फैक्ट्री वाला जो स्किन है P90 का गन का ये आप लोग को दोनों में से कोई एक आप लोग को आने वाले अभी 45 अपडेट में 7th एनिवर्सरी स्पेशली देखने के लिए मिल सकते हैं। ओल्ड वाले पिक के नहीं तो ओल्ड वाली फैक्ट्री के आप लोग को सो गन के स्किन है P90 के ये आप लोग को पॉसिबल है कि दोनों में से कोई एक देखने के लिए मिल जाएगा, बाकी फ्री में तो मिलेगा नहीं, डायमंड के इवेंट में ही आएगा। और फिर गाइस देखो आप लोग को अभी 45 अपडेट के बाद में नया कैरेक्टर ये वाला देखने के लिए मिल सकता है जो जोसेफ
का कोई भाई नहीं है। जसर टाटू का कोई भाई नहीं है तो ये इसका भाई के रूप में आ सकता है। बाकी ये सो न्यू क्रिएटर के लिए यहाँ पे सर्वे के अंदर में आया था तो ये आ सकता है। और फिर दूसरा आप लोग को ये सो क्रिएटर है ये भी इसी थीम में है। सो ये सो क्रिएटर है ये भी आप लोग को नेक्स्ट वाले अपडेट के अंदर में देखने के लिए मिल सकता है। सो इसका जो बंडल है वो देख सकते हो पूरा ही सो इसी थीम में ही इसका बंडल्स है। बाकी ये बंडल तो अच्छा खासा लग रहा है क्रिएटर और राइडन के जैसा लग रहा है ये क्रिएटर। बाकी काफ़ी आप लोग देखो यहाँ पे सो आने वाले टाइम में OB45 अपडेट में तो नहीं आएगा तो आने वाले कुछ अपडेट के बाद में आप लोग को जो ऐसा डुओ क्रिएटर है ये फिर आप लोग को गेम के अंदर में देखने के लिए मिलने वाला है। सो एक ही क्रिएटर रहेगा बट यहाँ पे मेल और फीमेल चिपका रहेगा और आप लोग एक साथ जो दोनों क्रिएटर इसको यूज़ कर पाओगे बट कैसे कर पाओगे वो तो गाइस जब आएगा तब आप लोग को देख पाओगे। और फिर इसको लेके बस यहाँ पे जो पिक है PNG है वही आई है सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इस टाइप का आप लोग को इससे डुओ क्रिएटर है या आप लोग को आने वाले टाइम में आने वाले अपडेट में देखने के लिए मिलेगा। इस अपडेट में नहीं बहुत सारे अपडेट के बाद में आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। फिर आप लोग को OB45 अपडेट के बाद में ये जो फॉक्स वाले जो उनके स्किन है ये आप लोग को आने वाले अपडेट में देखने के लिए मिल सकती है जिसके ऊपर में जो किली है छोटी किली बैठी हुई है। बाकी आप लोग को यहाँ पे देख रहे हो जो यहाँ पे रंग बिरंगा आप लोगों को वन का स्किन देखने के लिए मिल सकता है जो आप लोग देख ही सकते हो टॉय के जैसा लग रहा है। फिर इसके अंदर में कैंडी है और आप लोग का जो स्माइली फॉइल वाला जो यहाँ पे गन है वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। सो देख के ही पता चल रहा है ये Mark 10 या फिर MP40 की गन की स्किन हो सकती है। स्माइली फॉइल वाला बहुत ही ज़्यादा मस्त है। फिर आप लोग को यहाँ पे जो एनिमल है इसके दिन में भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा जो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। ये वाला गन का स्किन का दांत खतरनाक लग रहा है और आँख और साथ में ये तो पैर का जैसा लग रहा है बाकी ये चील के जैसा भी लग रहा है और ये जो पहाड़ी शेर होता है क्या बोलते हैं इसको इसका है। और फिर आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है चमगादड़ वाला जो आप लोग देख ही सकते हो। और बाकी आप लोग को और फिर गन की स्किन देखने के लिए मिल सकती है OB45 अपडेट में। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये सब गन की स्किन जो आप लोग देख रहे हो ये सब में से कोई कोई गन का स्किन आप लोग को OB45 अपडेट में देखने के लिए मिलेगा जिसका रिव्यू तो आप लोग को जो उनके लास्ट वीक में ही होगा क्योंकि 1 जुलाई को जो OB45 का अपडेट है वो आने वाला है। बाकी ये सारे जो वन का स्किन का जो डिज़ाइन वगैरह है ये आप लोगों को कैसा लग रहा है ये आप लोग कमेंट में बताना। आप लोग को अपकमिंग ये सारे जो वन के स्किन से ये आप लोगों को आने वाले अपडेट में देखने के लिए मिलने वाला है। सो ये सारे जो वन के स्किन है इसका फिर रिव्यू आप लोग को 7 मंथ में ही मिलेगा। और बाकी देखो इस OB45 अपडेट के अंदर में आप लोग को जो क्रिएटर है गन की स्किन से वो ये सारी देखने के लिए मिल सकती है और जो VR और CS रैंक में रिवॉर्ड से सो आप लोग को वही देखने के लिए मिलेगा और वो इमोट भी पॉसिबल है कि आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। बाकी आप लोग का जो फ्री फायर इंडिया है ये कब देखने के लिए मिलेगा तो अभी आप लोग को पता है फ्री फायर इंडिया का जो सर्वर है उसको नवी मुंबई में शिफ्ट कर रहे हैं गरीना वाले इसलिए ये आप लोग का जो डाटा यहाँ पे सर्वर में आप लोग को प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है और आप लोग का जो पिंग है वो हाई हो जा रहा है और फिर ठीक भी हो जा रहा है। सो सर्वर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है इसलिए आप लोग को ये जो प्रॉब्लम है ये देखने के लिए मिल रही है तो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा तो आप लोग टेंशन ना लो। बाकी देखो इस OB45 अपडेट में जो फ्री फायर इंडिया है वो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सोच रहे हो ना। देखो OB45 का अपडेट जुलाई में आने वाला है और आप लोग का जो 7th एनिवर्सरी का इवेंट है वो आप लोग को अगस्त नहीं तो सेप्टेम्बर में देखने के लिए मिलेगा तो आप लोग को 7th एनिवर्सरी से पहले जो OB45 अपडेट है वो देखने के लिए मिलेगा तो उस टाइम आप लोग का जो फ्री फायर इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है कि आप लोग को देखने के लिए मिल जाए लॉन्च उससे पहले नहीं तो आप लोग को दिवाली से पहले आप लोग को अगस्त में नहीं तो अक्टूबर में आप लोग का जो फ्री फायर इंडिया है ये पॉसिबल है कि लॉन्च देखने के लिए मिल जाए। कि फ्री फायर इंडिया वालों की तरफ से कोई भी ऑफिशियली न्यूज़ या फिर ऑफिशियली करीना वालों ने कुछ नहीं बोला कि फ्री फायर इंडिया 5 दिन लॉन्च होगा। बस आर्टिकल में था कि जो फ्री फायर इंडिया का जो सर्वर है वो नवी मुंबई में आ रहा है शिफ्ट हो रहा है सो इसके चलते आप लोग का जो फ्री फायर इंडिया वो आप लोग को जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा बट अभी जो डेट है वो किसी को फिर नहीं पता सब करीना वाला ऑफिशियली जो ट्रेलर वेलर है वो डालेंगे तो ही आप लोग को जाके पता चलेगा। सो अभी वेट करो जैसे ही फ्री फायर इंडिया के कुछ लीक वगैरह आएगी तो मैं आप लोग को बता दूंगी। अभी करीना वाला ऑफिशियली कुछ बोले तो वही कुछ कन्फर्म होगा डेट वगैरह का कब लॉन्च होगा सो वेट करते हैं जल्दी ही करीना वाले बोले तो अच्छा है। वैसे आप लोग को OB45 अपडेट के बाद में ये सारे जो चेंजेस देखने के लिए मिलेगा वो मैंने आप लोग को बता दिया और भी चेंजेस होने वाला है जिसका लीक जल्दी ही आ जाएगा तो मैं आप लोग को वो सब भी बता दूंगी जल्दी से। सो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पैर पर हाथों से वाले कि नॉन करना तो चलेगा इस बाय बाय।